नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ियों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के 23वें मुकाबले में देखने को मिला। कोरोना के चलते मार्च में आयोजन टलने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग अब UAE में अपने चरम पर है। लीग में रन बरस रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं और साथ ही साथ हो रही है तू-तू-मैं-मैं। ताज़ा मामला पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के होने वाले दामाद से जुड़ा है, जिनकी लड़ाई बीच मैदान पर सरफराज अहमद से होती दिखी। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लेडियर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच मुकाबला चल रहा था। इस मैदान में सरफराज क्वेटा के कप्तान थे और शाहिद अफरीदी के होने वाले दामाद यानी शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स के फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं। मुकाबले में तो क्वेटा ग्लेडियर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया, लेकिन उससे पहले जो मैदान पर सरेआम हुआ, जिसकी एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, वो हैरान करने वाली रही। सरफराज और शाहीन आपस में उलझे दिखे। वो तो भला हो सरफराज के बैटिंग पार्टनर हसन खान और लाहौर कलंदर्स के बाकी खिलाड़ियों का, जिन्होंने इस मामले में दखल देकर दोनों को एक दूसरे से अलग किया। आपको बता दें, घटना पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्वेटा ग्लेडियर्स के इनिंग के 19वें ओवर की है। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद बाउंसर फेंकी, जो कि सीधा स्ट्राइकर पर खड़े सरफराज अहमद के हेलमेट पर जाकर लगी। बॉल को तो अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इस पर इसने सरफराज को शाहीन पर जुबानी हमला करने का मौका दे दिया। सरफराज ने कुछ ऐसा कहा जिससे शाहीन गुस्से में उनकी तरफ बढ़े और जुबानी जंग में उलझते दिखे। मामला तूल न पकड़े इसे देखते हुए सरफराज के बैटिंग पार्टनर हसन खान और अंपायर ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। जब इतने से भी बात नहीं बनी तो लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को भी बीच बचाव के लिए कूदना पड़ा। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि दूर होने के बाद भी सरफराज और शाहीन एक दूसरे से बहस करते हुए देखे गए। बता दें, शाहीन अफरीदी से पारी खत्म होने के बाद बाउंसर फेंकने पर सवाल भी किया गया, तो इस पर उन्होंने कहा, अगर कोई बल्लेबाज मुझे चौका लगाए तो अच्छा नहीं लगता, ये खेल का हिस्सा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।